हमारे किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान हो चुका है कि ये लोग अपना साइलों में हमारा अनाज जब्त करने की कोशिश ना करें, वरना हम किसान साथी 24 घंटे लगेगा, 2 घंटे से 24 घंटे लगेगा, उनका पूरा साइलो समाप्त हो जाएगा, किसानों कब्जे में होगा, कोई माइकलाल बचा नहीं पाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग बहुत ही क्रांतिकारी होते हैं, ये ईवीएम का खेल तो पूरे देश में खेल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी खेलने का। अभी परसों हमने आप लोगों से बात भी किया ईवीएम पर कि इनका घोटाला चल रहा है। अगर ईवीएम इन्होंने 3-5 नहीं किया और वहाँ के लोगों ने शपथ ले लिया है कि अगर ईवीएम में यहाँ घोटाला करने की कोशिश किए तो हम लोग उस विधायक को ताला बंद करके उसको अंदर कर देंगे, हम लोग विधायक को निकलने दें। ये बंगाल की धरती बहुत क्रांतिकारी धरती है और वहाँ पर जो किसानों से इन्होंने पंगा लिया है, किसान पंचायतें हुई हैं हमारे किसान नेताओं के सामने, जैसे ही हमारे किसान नेता कोई जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ लाखों की भीड़ घरों से निकल करके अपने आप आ रही है, 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा है। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर उनके नेता जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, कोई जा रहा है, बहुत स्टार प्रचारकों को लगा ले रहे हैं, वहाँ पब्लिक जा नहीं रही है। यहाँ तक कि रेलवे बुक कर रहे हैं, रेलवे भेज रहे हैं कि रेलवे से फ्री में जाइए, बसें लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भीड़ कह रही है हम तुम्हारे रेल से न जाएंगे, न हम तुम्हारे पैसे जाएंगे, न तुम्हारे बस से जाएंगे, हम जाएंगे तो किसानों के साथ जाएंगे। सत्यपाल मलिक से तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सरकार जनता के हित में नहीं काम रही, इस्तीफा दो भाई, आप आ जाओ आंदोलन में। ये रोने से काम नहीं चलेगा, रोने को अंदर रो, बाद सड़क पर रो, अंदर रो, सड़क पर जूता मारो, अंदर जा करके माफ़ी मांगो, कोई बात नहीं। अगर उनको देश से प्रेम है तो इस्तीफा दे कर आए किसानों के साथ, हम उनको जो है कि उससे बड़ा पौधा देंगे। आप कह रहे हैं कि 100 दिन से ज़्यादा हो गया, क्या सफलता? सफलता तो मिल चुकी है सर, हमारा जो आंदोलन है आप 100% मान के चलिए कि सफल हो चुका है। ये जो कृषि बिल इनकी आई है वो तो आईसीयू में चली गई है, अब इसकी हमें डेथ, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर जो होते हैं, कोई मरीज जाता है मेजर केस का जाता है और पैसा कमाने के चक्कर में उसको आईसीयू में, पैसा कमाने के चक्कर में उसको आईसीयू में डाल देता है। आईसीयू में डालने के बाद उसको रहता है कि आपका पेशेंट अभी जिंदा है, मेडिकल बुलेटिन जारी करता रहता है और इसके बाद 5-6 दिन तक वो आईसीयू में रखे रह जाता है, लेकिन लास्ट में उसको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये जो कृषि कानून सरकार ने लाई है, ये नहीं, इसकी 7 पुश्त भी जिन कॉरपोरेट घरानों की बदौलत इन्होंने लाने का प्रयास किया है, इनकी 7 पुश्त भी इस कानून को लागू करा नहीं सकते, क्योंकि अब किसान रोड पर बैठ गया, किसान जाग चुका है। अब हम लोग इस, अब यहाँ पर बैठे आप लोग, सवाल उठेगा कि आप बैठे क्यों हैं यहाँ पर, हम लोग इसकी डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट लेंगे इस कानून की जो इन्होंने लागू किया है, और इनके सभी काले कारनामों को यहाँ से दफन करके जाएंगे, इसके पीछे नहीं जाएंगे। हमारे तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट बोल दिया है कि अगर कारपोरेट घराने वाले होश में नहीं आए, पहले तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया कि किसानों की जमीन हड़प करके हम उसको जो है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को बांट देंगे, लेकिन जब ये साइलों में हमारे अनाज को ले जा के जब्त करने लगे तो हमारा किसान मोर्चा ऐलान कर चुका है। तो ये लोग जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, ये तो ज़मीन लेने से इनकार कर दिया कि हम भाई किसान के पास नहीं जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेने, किसान हमको लठ से लठ चला देगा। इनके मंत्री पर जब लाठी चल जा रही है, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है, उनको भगा दिया जा रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसानों का आप कॉन्ट्रैक्ट करा ले। यादव जी, जिस तरह से आपने जो चेतावनी दे दी है व्यापारियों को, जो बड़े कॉरपोरेट हैं, कि हम आपका आपको अनाज नहीं लेने देंगे, तो फिर किसान अपना अनाज लेकर कहाँ जाएगा इस बार? देखिए, हमारी मंडियाँ हैं, जैसे कह रहे हैं कि आलू कॉन्ट्रैक्ट के तहत आलू हमको दे दीजिए, ये बड़ा आलू तो हमारा ले लेंगे, छोटा आलू हम कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारी अनाज की मंडियाँ जैसे चल रही हैं, हम ऐसे अपना बेच रहे हैं, बेचते रहेंगे, हमारा जो भी सड़ा गला छोटा बड़ा सब चीज़ प्रोडक्ट होता है सब वहाँ बिक जाता है। जब ये हमारे अनाज को सब लेके चले जाएंगे तो मंडियाँ छोटी छोटी टूट जाएंगी, हमारा जो माल है सब वेस्टेज जाएगा, बेकार हो जाएगा, हम भुखमरी के कगार पहुँच जाएंगे। मैं तो हर पार्टी के उस नेता का सम्मान करता हूँ, उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो किसानों के दर्द को समझता है। आज जो है कि बीजेपी में खुद फाट कई फाट हो रही हैं, जो उसमें किसान नेता है, जो किसान नेता है वहाँ चुन के गया है, वो भले से दबा कुचला, उसके भी गुब्बार निकल रहे हैं, और वह जो है हमेशा किसानों के पक्ष में खड़ा है। वही नहीं, जितने भी पार्टियां हैं, जो किसान है
जो किसानों के दर्द को समझता है, जो देशभक्त है, जो नेतृत्व करता है, जनता की समस्याओं को लड़ता है, सब हमारे साथ है, किसानों के साथ है। किसान आंदोलन ऐलान कर चुका है कि भारत देश का जो भी पीड़ित व्यक्ति है, हम सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। जैसा कि सामाजिक न्याय की परिभाषा है कि जिस देश में कोई नागरिक जीवन यापन कर रहा है, वहाँ पर आर्थिक, प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक जितनी भी संपदाएं हैं, शैक्षिक जितनी भी संपदाएं हैं, यदि सभी लोगों को समान अवसर मिलता है तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। लेकिन ये लोग जितनी भी आज तक हमारे हम लोगों के साथ हैं, सरकारें आई हैं, किसी ने सामाजिक न्याय देने में सब लोग विफल रहे हैं। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने तो सामाजिक न्याय छोड़ी, इन्होंने हमारी रोटी से लेकर के सारी चीज़ें छीन ली। आज बैंक कर्मचारी हड़ताल पे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उद्योग धंधे कारखाने बंद हो गए हैं, सड़क पर स्टूडेंट परेशान है, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, सब चौपट हो गई है। तो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी लोगों का समर्थन, यहाँ जत्था जत्था स्टूडेंट आ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंधु बॉर्डर जहाँ तक आप लोग तो भ्रमण करके आ रहे हैं, आप ही लोगों की देन है कि हमारी बातें आम जनता तक पहुँच भी रही है। क्योंकि नेशनल चैनल जो बनाए हैं लोग अपने आप को, एक नेशनल चैनल बनाने मेरे भाई 200 करोड़ रुपया खर्च आता है। अब ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का 79% कब्जा नेशनल चैनल पर रिलायंस का हो गया है। ये लोग कब्जे करके और सरकार से अपना कानून बनवा करके अपनी देश की जनता को, देश की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं, चारों तरफ लूटपाट मची, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। देखिए मेरे भाई, जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, हम लोग उसको इसलिए टारगेट पर लिया गया है कि आज तक अगर एक चींटी भी मर जाती है, एक कहीं चूहा भी अगर सदन में घुस गया, या दिल्ली के अंदर कोई अगर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई एक थर्ड पर्सन अगर कहीं आपस में दो भाई में झगड़ा हो जाता है, तो इसको ये इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि मालूम होता है कि वो कारगिल का युद्ध जीत के आ रहे हैं। बताओ, पूरे ठंडी से लेकर के 3 महीना 17 दिन हमारा आंदोलन हो चुका है, 250 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। अभी एक किसान हमारा, उसकी उम्र 21 साल थी, नरेश सिंह, वो बेचारे की शादी 1 साल पहले शादी हुई थी, अपने शादी का जश्न भी पूरा नहीं कर पाया, 6 महीने अपनी पत्नी के साथ रहा, आंदोलन में आया, उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही थी कि मेरा पति गया है आंदोलन में, यहाँ से उसकी डेड बॉडी गई, शहीद हुआ। यहाँ कितने किसान ठंड के महीने में तड़प तड़प कर मर गए, ठंडी मार दी, कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, कितने लोग नारीबाजी मर गए, आज तक ये मीडिया इसको प्रकाशित की, तो हम क्यों उसकी बात माने, हम उसका बहिष्कार करते हैं अगर जो हमारी बात नहीं सुनता है। पूरे भारत में आप तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे भारत वर्ष में किसानों के पास गुस्सा है। जैसे अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक चले जाइए, पश्चिम बंगाल तक चले जाइए, इन्होंने ट्रेन का संचालन लगभग ठप करके रखा है। वहाँ से जो ट्रेनें आ भी रही हैं, टिकट जिसका माने जनरल बोगी चल नहीं रही है, टिकट में रिजर्वेशन हो रहा है, रिजर्वेशन कराने वाले जो बैठे हैं, रिजर्वेशन करने वाले जो दलाल टाइप के बैठे हैं, एक एक रिजर्वेशन अगर कर रहे हैं, अगर 500 टिकट 600 का टिकट है, 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं, किसान बेचारा यहाँ आ नहीं पा रहा है। अब बताइए कि हमारा आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़ मऊ यहाँ से 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर में यहाँ अगर एक टिकट रिजर्वेशन करवाया जा रहा है तो 1000 से 2000 रुपया खर्चा जा रहा है। जो लोग किसी तरह से आ रहे हैं ट्रैक्टर से, जो यहाँ के अगल बगल के लोग हैं तो ट्रैक्टर से भी आ सकते हैं, लेकिन दूर के लोग बहुत मुश्किल से आ पा रहे हैं। आज अगर खाली ट्रेन का संचालन सही हो जाए, पूरा दिल्ली इतना भर जाएगी, पट जाएगी कि उनको, आप लोग को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि विश्वास बड़ी मुश्किल से आता है, और अगर एक बार कोई विश्वास किसी का तोड़ देता है तो फिर लाख प्रयास करो विश्वास नहीं आ पाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते बोलते इतना जनता का विश्वास तोड़ दिया है कि आज अगर ये वास्तव में कोरोना बीमारी आ जाए, कोरोना तो एक बहाना था देश को बर्बाद करने के लिए, अगर वास्तव में कोई उससे भी भयंकर बीमारी आ जाए तो लोग उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ सभी लोग किसी के मुंह में मास्क लगा है, यहाँ लाखों लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से सिंधु बॉर्डर से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक लाखों लोग बैठे हैं, यहाँ कोरोना नहीं पकड़ रहा है, इनके भी ऑफिस में चले जाओ, दिल्ली में उनके ऑफिस में चले जाओ तो मास्क लगा लेंगे। हम लोग तो वार्ता में, जो हमारे किसान नेता जाते हैं वहाँ भी मास्क नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं अरे भाई सोशल डिस्टेंस। ये झूठ बोलते बोलते अब जनता समझ चुकी है।